हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ एक स्कूल में। एक्चुअली इस स्कूल में हम आए अपने बच्चों को लेकर कुछ कंपटीशन के लिए। तो बस स्कूल में कंपटीशन अभी शुरू होने वाला है थोड़े टाइम में, तो जैसे ही शुरू होता है मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी। फिलहाल अभी चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज करनी है, बच्चों के कार्ड लेने हैं और बच्चों के रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो चुके हैं वैसे, बट हाँ वो दिखा के साइन वगैरह करवाने हैं, तो भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो पहले फटाफट वो सारी चीज़ें करवाते हैं, फिर जाते हैं। कॉम्पिटिशन जैसे ही शुरू होगा फिर उसके बाद देखते हैं। तब तक मैं आप लोगों को ये पूरा स्कूल दिखा देती हूँ। ये स्कूल का नाम अभी मुझे याद ही नहीं आ रहा है, कुछ तो नाम है। चलो मैं सीधे बोर्ड ही दिखा देती हूँ स्कूल का, क्योंकि नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट हाँ मैं स्कूल दिखाती हूँ आपको। ये स्कूल का एक प्ले गार्डन है, काफ़ी प्यारा है बच्चों का, छोटे बच्चों का। और ये रहा स्कूल का मेन गार्डन, ये स्कूल की बिल्डिंग। अच्छा, महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल नाम है स्कूल का, तो ये आपको दिख ही जाएगा अभी इधर। और फिलहाल यहाँ पे पेंटिंग कंपटीशन डन हो चुका है, तो ये छोटे बच्चों का हो चुका है, तो ये वहाँ पे ये फोटो सेशन इनके हो रहे हैं। और ये हमारे स्कूल के बच्चे हैं जो अभी टहल रहे हैं, तो लेट्स सी सारी चीज़ें कैसे होती हैं। तो अभी फिलहाल फाइनली ये बच्चे लाइन में लग चुके हैं अपने प्रोग्राम के लिए, यहाँ तक पूरे हैं। और एक सबसे लास्ट में चले गए 80 नंबर पे। अंदर चल रहा है डांस का ऑडिशन अभी, ये पूरी फेजेस के बाद होगा इसका फाइनल ऑडिशन। ये है पैनल जो डिसाइड कर रहा है, और यहाँ पर लगी हुई है बच्चों की लाइनें। भाई साहब अदर स्कूल्स के आए हुए हैं, कोई बात नहीं। दस मिनट और। ये है फ्रंट जहाँ से सभी बच्चों के फॉर्म मिल रहे हैं, जो भी सिंगिंग डांसिंग जीके या जो भी बच्चे, उनके फॉर्म यहाँ से मिल रहे हैं। और ये है पूरा स्कूल का एरिया, और इस एरिया में हो रहा है बच्चों के सिंगिंग एंड डांस के कंपटीशन, जो अभी शुरू होने वाले हैं बच्चों के।
बात करना जरा। बढ़िया मैम, लेट हो गई। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया यार, मैं एक जगह ही जा सकती हूँ। हाँ बहुत बढ़िया यार, काफ़ी अच्छा लग रहा है तुम लोगों ने। हाँ तुम लोग भी लगवा लो। हेलो, हाँ भैया क्या कहते हो? तो ये पेंटिंग कंपटीशन, बच्चों ने पेंटिंग बनाई है। अब इसमें मुझे नहीं पता मेरे स्कूल के बच्चे कहाँ हैं, बट ये हैं तो कुछ तो पेंटिंग कंपटीशन के बच्चे। तो फिलहाल अभी आई हूँ मैं पेंटिंग कंपटीशन के रूम में, और यहाँ पर हमारे स्कूल के बच्चे पेंटिंग कर रहे हैं। ये अर्पिता है हमारे स्कूल की, और ये इसकी पेंटिंग है, और एक और बच्चा हमारे स्कूल का है, उसके पास चलते हैं। ये रहा, ये है मनदीप, ये भी हमारे स्कूल का है, और ये है मनदीप की पेंटिंग। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगे। तो अभी फ़िलहाल सभी बच्चों का कंपटीशन हो चुका है डन, काफ़ी बच्चों का हुआ है सिलेक्शन, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी रिजल्ट मिलेगा 26 को। और डांस और सिंगिंग में ऐसे बच्चे थे जिनका सिलेक्शन हो चुका है सेमीफाइनल राउंड के लिए, तो अभी उनका जो है 26 को होगा सेमीफाइनल, और देन होगा जब भी डेट मिलेगी तो फाइनल होगा। तो अब बच्चों को लेकर घर जाते हैं, पहले इनको नाश्ता करवाना है, तो नाश्ते के लिए मैंने समोसा मंगवा दिया बच्चों के लिए। तो गाड़ी में ही वो समोसा खाएंगे अपने वैन में, और देन उसके बाद जाएंगे घर। तो मैं भी निकलती हूँ। फिलहाल अभी बड़े बच्चों की पेंटिंग कंपटीशन हो रही है, तो मैं अपने बड़े बच्चों का वेट कर रही हूँ। छोटे बच्चों की डन हो चुकी थी बहुत पहले ही, तो जो मैंने आपको ब्लॉग में दिखा दिया, पर बड़े बच्चों की अभी स्टिल हो रही है पेंटिंग, तो हो जाए उसके बाद फिर जो है हम चलेंगे घर, और बाकी बच्चे चले गए नाश्ता करने के लिए। तो इधर इस बच्चे का सिंगिंग कॉम्पिटिशन में सिलेक्शन हुआ है ना, है ना, इसलिए ये बच्चे समोसा खा रहे हैं, वैसे इनको भूख लगी इसलिए खा रहे हैं। और इधर इन बच्चों का डांस में हुआ है सिलेक्शन। किसका हुआ डांस में सिलेक्शन? ओके वेरी गुड, खा लो समोसा, खाओ समोसा खाओ। इन बच्चों के रिजल्ट आएंगे 26 तारीख को, जीके है ना, जीके का दिया इन्होंने। इधर बच्चे जीके भी हैं, कुछ मेहंदी भी हैं, तो जो मेहंदी वाले उनका रिजल्ट 26 को आएगा, जो जीके है उनका भी रिजल्ट 26 को आएगा, और जिन्होंने डांस किया है वो सेमीफाइनल राउंड में जाएंगे 26 को। ठीक है, खाओ समोसा, खाओ समोसा खाओ। सो गाइज, अभी हम लोग जो है घर आ चुके हैं, मतलब मैं अब घर आ चुकी हूँ, बाकी सारे के सारे बच्चे अपने अपने घर गए। सभी बच्चों को बता दिया जिनका सिलेक्शन हुआ, उनके पेरेंट्स को बता दिया कि ठीक है आपके बच्चे का सिलेक्शन हो चुका है, तो आप आगे की फीस सबमिट कर दीजिएगा ताकि अब बच्चा अगले राउंड में परफॉर्म कर पाए। तो अब बस अब जो है आपको इससे रिलेटेड जो ब्लॉग है वो अब आपको 26 तारीख के बाद देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अब इस ब्लॉग को हम यही ख़त्म करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत थकान हो गई, बहुत तगड़ी भूख लगी है, तो सबसे पहले जाके खाना खाना है। तो बस इस ब्लॉग को हम यही ख़त्म करते हैं, हम आपसे फिर मिलेंगे किसी और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।